अगर वो रखते हैं तो उन्हें जबरदस्त अशांति से गुजरना पड़ सकता है। हमने ऐसे परिवार देखे हैं। आम तौर पर जो आपको दुकानों में मिलता है वो ज्यादातर एक अंडे के आकार का पत्थर होता है। जो बच्चे कंचे नहीं खरीद सकते थे वो नदियों से पत्थर उठा लेते थे और उनसे खेलते थे, आप जानते हैं। हाँ, जो बच्चे कांच के कंचे नहीं खरीद सकते थे वो नदी पर जाते थे और गोल पत्थर उठा लेते थे और उनसे खेलने लगते थे। और किसी ने इस साधारण खेल को एक बहुत गंभीर चीज बना दिया। तो ज्यादातर सालिग्राम जो आप देखते हैं उनमें कोई खास गुण नहीं है, वे बस सुंदर पत्थर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग नदियों से पत्थर बिनना बंद कर देंगे, क्योंकि इस रफ्तार से जब हम कैलाश गए थे सभी एक पत्थर उठा लाना चाहते थे। मैंने कहा कि एक समय था जब लोग यहां से पैदल जाते थे, तमिलनाडु से लोग कैलाश तक चलकर जाते थे। अगर 10 लोग जाते थे तो सिर्फ 2 ही लौटते थे। उस समय उन लोगों का 2 छोटे पत्थर लाना ठीक था, क्योंकि वैसे भी वे इतना बड़ा पत्थर उठाकर वापस पूरे रास्ते नहीं चल सकते थे। वे 2 पत्थर उन 8 लोगों की याद में लाते थे जिन्हें वे वहीं पीछे छोड़ आए थे। ये ठीक था। आजकल आप गाड़ियों में बड़े आराम से जाते हैं और आप झोले भरकर पत्थर घर ले आना चाहते हैं। इस रफ्तार से मैं उन्हें बता रहा था कि अगर ऐसा होता रहा तो कुछ सालों में पूरा कैलाश पर्वत ही तमिलनाडु में होगा। हम टुकड़ा टुकड़ा करके पूरा पहाड़ ही ला रहे हैं। जितनी तादाद में लोग जा रहे हैं और हम भी हजारों लोगों को ले जाने की योजना बना रहे हैं, तो कृपया कैलाश के पत्थरों को कैलाश पर ही छोड़ दीजिए। ये आपके किसी काम के नहीं है। आप पानी लेकर आना चाहते हैं वो ठीक है, पानी आपकी इजाजत के बिना एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन पत्थर अब भी कहीं नहीं जाते। तो ये पत्थर जहां से भी हैं, गंगा यमुना जहां से भी, अगर आपने उन्हें उठाया है तो कृपया उन्हें वापस लेकर जाएं और उसी नदी में डाल दें, क्योंकि अगर उस नदी में जीवन को बसना है तो ये सब चीजें जरूरी हैं। सालिग्राम एक खास किस्म का पत्थर है जिसका मिलना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। आमतौर पर समुद्र में मिलने वाली रत्न ज्योति सालिग्राम की तरह बेची जाती है। किसी भी पत्थर के टुकड़े को सालिग्राम कहकर बेचा जा रहा है, वो सालिग्राम नहीं है। और पीपल आर मोल्डिंग देम, या लोग उन्हें कई तरह की राल में ढाल कर बेच रहे हैं। पक्की बात है कि वो सालिग्राम नहीं है। सालिग्राम एक दुर्लभ पत्थर है जो करोड़ों में एक होता है। अगर आपको मिल जाता है तो, अगर आप उसे उठा भी लेते हैं तो आपको अंतर पता नहीं चलेगा जब तक कि आप एक खास किस्म के व्यक्ति ना हो। और अगर आपको एक असली सालिग्राम मिल जाता है, अगर आप एक असली सालिग्राम उठा लेते हैं, तब आप वाकई मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उसे संभालना कैसे है, वरना आप बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। ये आपका जीवन बना भी सकता है अगर आपको पता है इसे इस्तेमाल कैसे करना है। ये एक महान खजाना है अगर आपको इस्तेमाल पता है, वरना यह विनाशकारी हो सकता है अगर आपको नहीं पता। जो लोग पारिवारिक जीवन में रहते हैं, साधारण जीवन बिना पर्याप्त अनुशासन, एकाग्रता, जागरूकता के, उन्हें अपने घर में कभी सालिग्राम नहीं रखना चाहिए। अगर वो रखते हैं तो उन्हें जबरदस्त अशांति से गुजरना पड़ सकता है। हमने ऐसे परिवार देखे हैं। करीब 2-3 पीढ़ियों पहले उनकी दादी दादा या कोई एक सालिग्राम ले आया, उन्होंने इससे अपना जीवन बना लिया, लेकिन उनके मरने के बाद अगली पीढ़ी को नहीं पता था कि कैसे रखना है। और ऐसे परिवार ऐसी मुश्किलों और दहशत से गुजरते हैं जो कल्पना से परे है, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं होता कि वो ऊर्जा कैसे संभालें। यह ऐसा है कि जैसे आपके पास एक पावर हाउस है, आपके घर में एक ऊर्जा पैदा करने का स्रोत है और आपको ऊर्जा को संभालना नहीं आता तो आप लगातार परेशानी में रहेंगे, है ना? आप जो भी छुएंगे आप परेशानी में आ जाएंगे।
तो ये बस वैसा ही है, ये जबरदस्त ऊर्जा का भंडार है। ये एक छोटे ब्रह्मांड की तरह है, ये अपनी ही तरह का एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है, बिकॉज इट कैरीज द सेम टाइप ऑफ, क्योंकि इसमें वैसी ही ऊर्जा रहती है जैसे कि ब्रह्मांड के बड़े रूप में होती है। तो ये चीजें जैसे एक मुखी खोजना, सालिग्राम ढूंढना, कृपया ये चीजें छोड़ दीजिए, ये कोई असली आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये बस निशानियां इकट्ठा करना है। आप जहां भी जाते हैं वहां से कुछ उठा लाना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि ये पवित्र है वो पवित्र है, हर कोई एक मुखी चाहता है, जबकि आपके खुद के कई मुख हैं। जब आपके कई चेहरे हों और आप एक मुखी पहने तो आप परेशानी को बुलावा दे रहे हैं। जब आपका जीवन बस एक लक्ष्य पर केंद्रित है तब उसे पहनते हैं तो ये बहुत अच्छा है। आपका जीवन अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, आप अनेक किरदार निभा रहे हैं, आपके जीवन में आने वाले अलग अलग लोगों के लिए आपके अलग अलग चेहरे हैं, क्या आपके नहीं है? क्या आपके कई चेहरे नहीं है? मैं पूछ रहा हूं, जब आपके कई चेहरे हैं और आप एक मुखी पहने तो आप परेशानी को न्योता देंगे, बस यूं ही। ऐसी नायाब चीजों की तलाश बंद कर दीजिए, ऐसा बहुत कुछ है जो आप इसके साथ कर सकते हैं, ये वो करते हैं। बजाय इसके कि आप इन दुर्लभ चीजों को नदी में, पेड़ पर या कहीं और खोजते फिरें, उन्हें छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसी चीजों के लायक हैं तो वो किसी न किसी तरह आपको मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी आपको उनकी जरूरत है।